नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इटगुल थीम सॉन्ग, जिसे हमें सजेस्ट किया है हमारे सब्सक्राइबर ने, जिनका नाम है मोहम्मद जैक, मोहम्मद आसिफ, मुनकेन, तशीफन खान, द किंग्स जॉन, जिशान अहमद। सो विदाउट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। काफी ज्यादा एक्शन दिखाया गया, जब भी दिखा रहा था वीडियो में कि गले काट तलवार घुमाया, मेरे हिसाब से इर्तुगाल गाजी जो थे काफी मतलब एक्शन को मारते आजकल, जैसे अक्षय कुमार
दिखाता है कि पहले वो लोग कहीं भी जाते हैं मतलब और फिर आई थिंक रिवेंज लेते हैं किसी तरह का शायद रिवेंज लेते हैं शायद या वार हो गई हाँ या फिर मतलब पहले कुछ तो स्टोरी में हुआ होगा कि मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट कोई वार नहीं बनता कुछ तो कुछ स्टोरी में हुआ होगा कि मतलब एक पागल पागल जोर से बोले कितना जोर से बोले अच्छा जोर से बोले 3-2-1 कुछ ना कुछ तो 3-2-1 मतलब कुछ ना कुछ तो पहले कुछ होता है किसी के साथ कभी मतलब इस तरह का मतलब भयानक रूप कोई देखो मेरे से जो इर्तुगाल गाजी जो है मेरे हिसाब से ये जो है शायद पहले वो लोग हमला करते हैं ये लोग पर और फिर बाद में इन लोगों ने उन लोगों को मार मार कर भगा दिया रिवेंज दिया मैं भी वही बोलना चाहता हूं दैट इज कॉल्ड रिवेंज बहुत ज्यादा ही मतलब और काफी अच्छी सीन भी है मतलब लग रहा है हॉलीवुड मूवी है हॉलीवुड एक्शन मूवी हमने तो बस सब टाइटल पढ़ कर नहीं समझा समझ पा रहे थे एक्चुअली काफी अमेजिंग वीडियो थी काफी अमेजिंग वीडियो थी अब ये एक्टर के नाम मालूम नहीं एक्टर काफी स्मार्ट है क्या नाम है इसका उसे एक्टर की पर्सनालिटी काफी अच्छी है The Rise of Nation. Oh, The Rise of Nation इसका मतलब ये होता है मतलब एक्टर का नाम नहीं है मैं भी सोच रही हूँ The Rise of Nation किसका नाम The Rise of Nation means होता है means Ottoman Empire का क्या बोलते हैं उसको सुबह या उसका शुरुआत शुरुआत कर सकते तो यही से मतलब आई थिंक इन्होंने काफी बढ़ा दिया अच्छा हमें ओटोमन एम्पायर के बारे में और पढ़ना चाहिए क्या तो ओटोमन एम्पायर जो था कभी भी मतलब मुगल से लड़ाई नहीं हुआ really? हाँ. तो मेरे हिसाब से मुगल काफी ताकतवर थे काफी मुगल थे भारत के और वो लोग जो थे ये ओटोमन थे तो कभी मेरे हिसाब से सिर्फ ओटोमन एम्पायर वाले पंगा ही लिए मुगल से क्योंकि मुगल में अकबर थे और ये क्या नाम उनका औरंगजेब और क्या वो जो ताजमहल बना है शाहजहां जहांगीर काफी अच्छे अच्छे बाबर काफी अच्छे अच्छे होते थे जहांगीर तो अकबर के ही होते हैं सलीम अनारकली सलीम का मतलब बहुत सारे नाम हाँ तो इंडिया मतलब काफी मुगल साम्राज्य की काफी बड़े बड़े थे एम्पायर के क्या बोलते हैं उसको लीडर और वॉरियर सो दैट्स व्हाई मेरे हिसाब से शायद ये लोग हमला कभी नहीं कर पाए इंडिया पे हो सकता है दोस्तों में दोनों ओटोमन एम्पायर और मुगल एम्पायर वाले हो सकता है काफी था। काफी अमेजिंग वीडियो था गाइस मुझे लगता है थैंक्स फॉर सजेस्टिंग गाइस थैंक यू हमें बहुत ही अच्छा और इसमें बहुत सारी खासियत है मतलब स्पेशली मुझे सबसे ज्यादा मतलब दिखा रहा था कि डाइट डाइट मतलब इसको अलग कर दे रहा था बॉडी से काफी मतलब शॉकिंग लग रहा था एडिटिंग काफी अच्छी थी हां एडिटिंग तो है बट रियलिटी में भी तो ऐसा ही होता होगा ना जब मारते हुए गला काटते हुए नहीं वो तो पहले होता ही था ना वो तो आज भी होता है आज भी होता है बट यू ऐसे नहीं होता है ना पहले कहीं भी होता था मतलब कहीं भी नहीं होता था सड़क पे रोड पे जहाँ भी लोग मिल गया वहाँ पे दुश्मन जहाँ वार होता तो वहाँ होता था हाँ वही मैं बोल रही है और आप हो गया है कि एक लिमिट एरिया होता है लिमिट एरिया नहीं आजकल बहुत सारी जगह है जहाँ कहीं लिमिट नहीं है अफगानिस्तान देख लो अफगानिस्तान के बारे में तो आजकल कुछ ज्यादा तो वही मतलब अगर जहाँ जहाँ देश का सिस्टम बिगड़ेगा कहीं कुछ मिल सकता है वहाँ का तो काफी बुरा सिचुएशन चल रहा है काफी बुरी सिचुएशन चल रही है सीरियसली मतलब काफी हमें आज मैंने आज सुबह एक वीडियो देखी मतलब न्यूज पर वहाँ पे प्लेन आ रही है लोगों को लेने के लिए अपने देश के जैसे इंडिया से प्लेन जा रही है यूएसएस जा रही है तो वहाँ के लोग प्लेन पर चढ़ जा रहे हैं लगा बस से कैसे भी जाएंगे वहाँ से काफी भीड़ जिस तालिबान के लोग जिस तरह से कर रहे हैं बहुत ही गलत है वहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप मतलब काफी हावी हो चुका है तो आजकल भी हो ही रहा मतलब अगर देखा जाए तो काफी मतलब हर जगह नहीं होता मतलब अफगानिस्तान हर जगह नहीं होता लेकिन लेकिन बहुत जगह होता है अफ्रीका में देख लो सोमालिया और बहुत सी कंट्री है छोटे छोटे काफी मिला से बहुत कम पहले में अब में बहुत अंतर है पहले हर एक कंट्री हर एक स्टेट में होता था नहीं हर एक कंट्री नहीं कर सकती थी हर एक कंट्री में नहीं होता था मतलब जहाँ वार होता था वहाँ होता था हर एक कंट्री में वार होता था वार का कोई लिमिट एरिया नहीं होता था नहीं वार का कोई लिमिट एरिया नहीं होता था अब वार का लिमिट एरिया होता है ऑलमोस्ट कंट्रीज में जहाँ पे उनका वो रहता है आर्मी का वो जो प्लेस रहता है बस वही अच्छा, तो मैं एक बात बता दूँ मतलब और कंट्री की नहीं पता लेकिन इंडिया का बता रहा हूँ पहले भी वार होता था लिमिटेड होता कुछ कैसे कैसे पहले जो था राज्य का
जो स्टेट थी, स्टेट के चारों तरफ दीवार बनी थी। उसको अंपायर था, यही मेरा कंट्री है। बट उस टाइम भी तो बोलता था ना कि जैसे कि अब इंडिया, जैसे पाकिस्तान पहले इंडिया था तो सारा तो इंडिया ही कहलाता था, भारतवर्ष। हाँ, भारतवर्ष कहलाता था। बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे आजकल जो अलग अलग कंट्री हो गए, बांग्लादेश सब कुछ इंडिया ही था। तो ये सब तो मतलब ये पहले अब भी बहुत ही अंतर है। हाँ, काफी अंतर है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ अभी भी कहीं नहीं हो ही रही है। हाँ, अब बहुत कम जगह पे ऐसा सब हो रहा है पहले की तरह। जैसे आप तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में जिस तरह से हो रहा है, काफी मतलब अजीब सा फील हो रहा है कि मतलब आजकल में भी ऐसा, मतलब ऐसे ऐसे लोगों का सोच है कि डेवलप होने के बारे में नहीं, बस मार काट के बारे में सोच रहा है। ये तो बहुत ही गलत बात है। या एक्चुअली स्टोरी डिफरेंट थी। या सो हमें बहुत ही अच्छा लगा, काफी अच्छी लगी, और इनकी एक्शन का तो मैं फैन हो गया। इर्तुकाल गाजी की मुझे लगता है मुझे पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी, काफी अमेजिंग है, क्योंकि मैं काफी एक्शन पसंद करता हूं और इर्तुकाल गाजी इतना करते हैं। ख्याल रखिए अपना, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इतना सबको पता चले। और फिर मिलते हैं गाइस, नमस्कार।